Hello and welcome to the Indian Sun. I'm your host, Harsha. Today I have with me a corona warrior whose compassion and will reaffirm your faith in humanity. Jitendra Singh Shanti's non-profit organization, Shaheed Bhagat Singh Seva Dal, also known as SBS Foundation, has taken it upon themselves to provide dignity to the victims of coronavirus. SBS Foundation runs free ambulance service in the national capital and has so far carried 497 COVID-19 victims' bodies for final rites and 643 patients to the hospital. Welcome to the Indian Sun, Mr. Singh. Namaskar. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल बहुत उदास है, जान सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की कॉन्वर्सेशन शुरू करें, मैं व्यूअर्स को कुछ बताना चाहती हूँ। टू डेज अगो SBS फाउंडेशन लॉस्ट वन ऑफ इट्स वॉरियर्स आरिफ खान। आरिफ खान वॉज एन एम्बुलेंस ड्राइवर हु फेरिड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ COVID-19 एज वेल एज इट्स विक्टिम for their final rites. Arif Khan was on duty since the COVID-19 outbreak and never went home in the last 6 months. Arif Khan was the sole earner of the family and is survived by his wife and 4 children. Arif Khan's selfless services tell us how heroism can be found in the mundane and ordinary walks of life. My big salute to Arif Khan. So Shanti, aap आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम के लिए बहुत बड़ा लॉस है मिस आरिफ खान के जाने के बाद। हाउ इज योर टीम डीलिंग विद इट? क्या वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले से हमारे जो वॉरियर हैं, ड्राइवर हैं, इनके मन के ऊपर बहुत असर पड़ा है जी। जब हमने काम शुरू किया था 21 मार्च से, प्रशासन ने कहा था कि हमको अपनी गाड़ियां दीजिए, तो हमने एम्बुलेंस का सेवा शुरू किया। तो कुल मैंने 21 लोग चुने थे जो डे एंड नाइट मेरे साथ काम करेंगे, जिसमें ड्राइवर एंड मेरे वॉरियर्स मिला के थे, मेरे समेत मेरा बेटा भी था। और जब हमने एम्बुलेंस का काम शुरू कर दिया, शव वाहन का शुरू कर दिया, तो 8 लोग हम पॉजिटिव हो गए थे, जिसमें से मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसिज, मेरे 3-4 स्टाफ। उससे भी मेरे वारियर बहुत घबराए थे, लेकिन काम नहीं रोका हमने बिल्कुल भी। और आरिफ खान को जब पॉजिटिव हुआ तो हमें लगा ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि 4-5 दिन में सारा इतना गड़बड़ हो जाएगा काम की। एक वो वारियर जिसने 30 साल मेरी सेवा करी, शहीद भगत सिंह सेवा दल में रह के, और आज मानवता के लिए जब से हमने काम शुरू किया है कोरोना का, वो यहीं पर रह के काम करता था जी। क्योंकि शहीद भगत सिंह सेवा दल का काम जब 1995 में शुरू किया, तब भी आरिफ मेरे साथ था। और शुरुआत इसकी बड़ी अजीब थी जी, जैसे आज कोरोना से कुछ सीखा है, मैंने दिल्ली के निगम बोध घाट के शमशान घाट पे कुछ सीखा था 1995 में। एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे की मृत्यु हो जाने पर पैसे ना होने के कारण लोगों की जली हुई लकड़ी के टुकड़े उठा के संस्कार कर रहा था। उस दिन हमारे दिल के ऊपर एक सदमा लगा कि राष्ट्रीय राजधानी, जहां पे लोग करोड़ों रुपया मकान पे लगाते हैं, शादी पे लगाते हैं, कार पे लगाते हैं, बच्चे के बर्थडे पे लगाते हैं, उसी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में एक आदमी को जलने का अधिकार नहीं है, तो क्यों ना एक एनजीओ एक बनाई जाए। हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल बनाया और उसके द्वारा हमने निःशुल्क दाह संस्कार का काम शुरू किया, जिससे अभी तक लगभग 20,000 से 22,000 लोगों का हम दाह संस्कार कर चुके हैं। जब हम दाह संस्कार की लाइन में गए तो हमें लगा यार किसी की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और बॉडी को घर लाना है तो एम्बुलेंस नहीं मिलती। तो 96 में मैंने पहली एक एम्बुलेंस बनाई और 97 में मैंने शव वाहन बनाया, जिसका कपिल देव से मैंने इनॉग्रेशन कराया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस 25 साल में 46,000 से ज्यादा डेड बॉडीज ऑन रिकॉर्ड हमने सेवा में दी है। पेशेंट अलग है, बीसीआरई में डेड बॉडी की बात कर रहा हूं। और जैसे ही इस एक्सपीरियंस को बढ़ता चला गया, फिर हमें लगा यार ये जो मोर्चरी बॉक्स हैं, आज कोई मोर्चरी बॉक्स इसकी डेथ होती है किराए पर लेता है तो उसको 5,000 रुपए पर नाइट का किराया लगता है। फिर हमने 8-10 मोर्चरी बॉक्स बनाए और फ्री ऑफ कॉस्ट देने शुरू कर दिए। और वो मोर्चरी बॉक्स
आम व्यक्ति ही नहीं, गरीब व्यक्ति नहीं, अच्छे से अच्छे परिवार में जाता है, क्योंकि गरीब आदमी तो हो सकता है मोर्ची बॉक्स यूज ही ना करे तो सेम डे उसका संस्कार कर देते हैं। अमीर आदमी का होता है किसी रिश्तेदार ने बाहर से आना है, माँ बाप ने आना है, बच्चों ने आना है। और यहां तक मैं बता दूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई, माननीय अरुण जेटली जी की जब मृत्यु हुई, माननीय सुषमा स्वराज जी की जब मृत्यु हुई, उनमें भी मोर्ची बॉक्स जो था शहीद भगत सिंह सेवा दल का गया और हमारी एम्बुलेंसेस भी गई, शव वाहन भी गए। ईश्वर में शक्ति दी रहता था हमेशा सेवा करने में। और अभी इस कोरोना काल में एक और बहुत अजीब बात बता दूं, आपने ये तो बता दिया कि हमें 497 जो डेड बॉडी उठाई हैं और 643 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेके गए हैं, लेकिन 90 ऐसी बॉडी का हमने क्रिमेशन करवाया है, डेड बॉडीज का, जिनके परिवार वाले संस्कार करने के काबिल नहीं थे। वो इसलिए कि परिवार पूरा क्वारंटाइन था, तो उसका जिम्मा हम एक अंडरटेकिंग लेके उनको उनको कहते थे आप जाइए हम संस्कार कर देंगे, आप घर पे रहिए अपने। इसके अलावा 19 डेड बॉडी का ऐसा भी क्रिमेशन किया मैंने जिनके घर वाले डेड बॉडी को छोड़ के भाग गए, वो डरते थे कि हमको कोरोना ना हो जाए, हम मर ना जाएं। वो ये कहते थे शंटी जी आप हमारे से पेपर साइन करा लीजिए और हम तो जा रहे हैं, आप संस्कार कर देना, हम रुकेंगे नहीं। ये करते 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 लास्ट 30 सितंबर को हमने एक डेड बॉडी उठाई थी बकरा हॉस्पिटल से, आरिफ मेरे साथ था। और आजकल आरिफ मुझे मना करता था, कहता भाई साहब आप कोरोना से उठे हैं, आप ज्यादा डेड बॉडी को हाथ मत लगाया करो, आप कमीशन भी करते हैं। तो वो मेरे साथ था उस दिन, और 1 तारीख को पॉजिटिव हो गया आरिफ खान, क्योंकि उसको बुखार हो गया, उसके जो सिम्टम थे मैं समझ गया मैं, क्योंकि हम सबको हो चुका था। तो मैंने उसको घर पे छोड़ा, फिर घर के बाद जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर उसका जो लंग्स थे वो बिल्कुल एकदम से जाम हो चुके थे, सांस लिया नहीं जा रहा था और उसकी जो ऑक्सीजन थी वो मात्र 60 या 70 के बीच में आती थी, 15 किलो तक का हमने वो भी लगा दिया ऑक्सीजन। और आखिर हमने शुक्रवार को 9 तारीख को हम उनको बड़ा हिंदू हॉस्पिटल में ले गए दिल्ली के, और वहां पे एडमिट करा दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और वो ठीक होके घर आएंगे, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और इतनी ही सेवा उन्होंने कबूल करनी थी। और वो 10 तारीख सुबह 8 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वो जाते जाते भी बहुत कुछ देखे गए हैं जी, जाना तो सबने है जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जा रहे हैं, पैसे वाले भी जा रहे हैं, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। हमारे स्टाफ का जो सदस्य गया है, ये ऐसी मौत परमात्मा सबको दे, मैं तो कहता हूँ कि आज सब याद तो कर रहे हैं कम से कम, अब बंद कमरे में चले जाए, पैसे वाले होकर चले जाए, कौन याद करता है जी। आज माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है, अमित शाह जी ने ट्वीट किया है, अच्छे अच्छे लोग उनको आज सल्यूट कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल को अमिताभ बच्चन ने सल्यूट किया है, अमिताभ बच्चन ने NDTV पे हमको अवार्ड दिया अभी बुला के। ये बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में जब कोई अपनों को हाथ लगाने को तैयार नहीं, डेड बॉडी को, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं, तो हमने प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को कि कोरोना वॉरियर बनके काम करी, हमने अपना काम शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हमने एम्बुलेंस दी, शव वाहन दिया, क्रिमेशन कराए, जो कोरोना के पेशेंट घर में थे उनको सामान भी लोगों को प्रोवाइड कराया, और जो कोरोना के पेशेंट आइसोलेशन सेंटर में होते थे उनको भी अगर वहां कोई दवाई चाहिए होती थी, कुछ भी चाहिए होता था, मेरे वॉरियर जाके दे के आते थे जी। ये काम ईश्वर ने हमको करवाए, हमने अपने आप ने किए। उन्होंने आज आरिफ को अपने पास बुला लिया है, मैं बता नहीं सकता आज हमारे जो मोराल टूटा है, मेरे मेरे मेरा जो परिवार है सेवा दल का, मेरे जो ड्राइवर्स हैं, वॉरियर्स हैं, एक खामोशी सी है सबके चेहरे पे, बोल नहीं रहे हैं लेकिन खामोशी है, कहीं दर्द भी है, कहीं दिल के अंदर मैं समझता हूँ सदमा भी है, एक दहशत भी है कि हम तो नहीं चले जाएंगे, अपनी जान के लिए डरे हुए हैं वो लोग। नेचुरली सब बाल बच्चेदार हैं, आरिफ के भी 2 बेटियां हैं, 2 बेटा है, गरीब परिवार है, 9,000 के किराए के मकान में रहता है, कहाँ साधन होते हैं। देखिए जी आज आज दिल्ली की सरकार ने जब पीछे अनाउंस किया कि कोरोना का वॉरियर की डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए देंगे,
लेकिन उन्होंने एक कंडीशन ये रख दी कि जो सरकारी वॉरियर होंगे, अरे उनको तो 10 बेनिफिट और मिलने हैं। अभी मैं सल्यूट करता हूं डॉक्टर को, टेक्नीशियन को, पुलिस वालों को, कि अच्छी बात है, उनको देना चाहिए। पर जो बिना किसी स्वार्थ के एनजीओ काम कर रही है, शहीद भगत सिंह सेवा दल, एक पैसा नहीं लिया जी हमने, ना गवर्नमेंट दिल्ली से ना किसी से, और जो सेवा सरकार के हॉस्पिटल्स को करनी चाहिए थी हमारी संस्था ने बिना कही, बिना पैसे दे रही। पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अपने आंसर में बताया था अभी कि जैसे गवर्नमेंट आपसे हेल्प मांग रही है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स आपसे हेल्प मांगते हैं कि आप आइए यहाँ पर बॉडीज हैं, तो ये गवर्नमेंट जो आपसे हेल्प मांग रही है, क्या वो क्या कर रहे हैं? मतलब आपसे हेल्प मांग रहे, एक एनजीओ से हेल्प मांग रहे, वो क्यों नहीं खुद ये काम कर पा रहे? और आपकी, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपके एम्बुलेंस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पब्लिक ने दिया है। आपके पास शायद पहले 12 कुछ एम्बुलेंस थे, जो बढ़ के अब थोड़े ज्यादा हो गए हैं, लोगों ने 16 हो गए हैं, पहले 12 थी अब 16 हो गए हैं। जहां तक आपने कहा कि सरकार के पास, तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने मुफ्त में जमीनें ली है, आज 10-10, 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं एक पेशेंट से, उनके पास भी डेड बॉडी वाली गाड़ी नहीं है जी। और दिल्ली सरकार के एक भी हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी वाली गाड़ी नहीं है। सच बताऊं तो दिल्ली की सरकार तैयार ही नहीं थी इस कोरोना से लड़ाई करने के लिए। सच बात तो यह है, आज भी चलो यमुना पार तो हमने संभाल रखा है, 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने संभाले हुए हैं, 500 बॉडी यहां से उठाई है हमने, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने किराए पे एम्बुलेंस लिए हैं, क्योंकि इनके पास अपने है ही नहीं, इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इसलिए हमें 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 इस बात का लालच नहीं है कि हमने पैसे के लिए करना है या हमको एहसान कर रहे हैं, ये तो हमारा नैतिक फर्ज बनता था। इससे पहले भी जब कभी पीछे दिल्ली में रॉयट्स हुए, हमने तब भी गाड़ियां लगाई, जहां कहीं होता है। हम तो डिजास्टर में नेपाल में भी काम करके आए, मद्रास में करके आए, हम उत्तराखंड में करके आए, कश्मीर में करके आए, कि हमारा जुनून है जी काम करने का। बट दिल्ली के अंदर कोरोना में लाशों को उठाने के लिए किसी प्रकार का साधन दिल्ली सरकार के पास ना था ना है। मिस्टर शंटी, आपने ये भी बताया कि आपके घर में सबको कोरोना वायरस हो गया था, आपकी वाइफ जो घर से शायद बाहर भी नहीं निकली थी उनको भी हो गया था। वो समय आप लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, और आपके बेटे को भी हो गया था उस समय। जी, मेरा छोटा बेटा जो लंदन से डिजास्टर का ही मास्टर करके आया है, मेरे साथ थे। सबसे तो बड़ी बात है कि मेरे साथ थोड़ी सी सेवा करी उन्होंने। तो बड़ा बेटा जो कि घर पे रहता था निकला ही नहीं, मेरी मिसेज घर से निकली नहीं, लेकिन मेरी वजह से, क्योंकि मैं बाहर बहुत जाता था और मैं रोज 1-2 क्रीमेशन कराने, खाली आम लोगों के नहीं, मैंने SSB जो सेना सुरक्षा बल है उनके 2 जवान की डेथ हुई, एक नोएडा में और एक वसंत कुंज में, उनके घर वाले नहीं आ सके जी, क्योंकि क्वारंटाइन थे और यंग थे, उनके बच्चे छोटे छोटे थे। उनका मैंने अपने हाथों से क्रीमेशन किया जी, बिल्कुल अपने उनके जैसे, उनका पिता समझिए कर लो या भाई समझिए कर लो, मैंने करा। इसी प्रकार एक हमारे बहुत अच्छे IAS ऑफिसर, उनका मुझे फोन आया कि हमारे रिश्तेदार हैं और आपके घर के आसपास ही रहते हैं, उनके डेथ होगी, घर वाले सब क्वारंटाइन है, प्लीज उनका क्रिमेशन करा दीजिए। अपने हाथों से मैंने बॉडी को लिया और जाके क्रिमेट कराया। ये नहीं लगता कि हमने कोई एहसान किया है, लेकिन हमारा दिल गवाही देता है कि इस कोरोना काल में अगर हम सेवा ना करते तो ये देश का कर्जा मेरे ऊपर रह जाता। अगर 25 साल से हम कर रहे हैं तो आज भी सेवा करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। मैं, मेरी मिसिज, मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ, जब सारे पॉजिटिव हुए थे तो मुझे लोगों के बहुत फोन आए कि शंटी जी बहुत अफसोस हुआ है कि आपको कोरोना हो गया, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, अगर हम घर बैठे हुए कोरोना से मर जाते किसने पूछना था। उस समय मेरी 225 बॉडी हम क्रिमेट करा चुके थे, तो मैंने कहा सबको, मैंने कहा जी मैंने 225 बॉडी का क्रिमेशन कराया है, हिंदू मुस्लिम ईसाई, मैं चला भी जाता हूं तो मुझे कोई गम नहीं रहेगा, मेरा एक काम कभी रुकेगा नहीं, जो पौधा हमने लगाया है। और उस समय मैंने एक शेर बोला था कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। बिग सैल्यूट टू यू मिस्टर शंटी। मैंने ये भी पढ़ा आपके बारे में कि आपने बताया था कि जब ये सब हो रहा था तब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे
जो लोग थोड़े बायस से जिनका जिन्होंने आपको टेररिस्ट की तरह ट्रीट करा हो, आपके यहाँ न्यूज़पेपर वेंडर भी नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो जिनको कोरोना हो जाता है वो उनके अगेंस्ट बायस्ड हो जाते हैं, सो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा जी। देखो सच बताऊं मैं, हम जब तक अपने तन पे कोई चीज बिकती नहीं है, गुरबानी में भी लिखा है जिस तन लागे सोई जाने अवर क्या जाने पी पड़ाई। जब मुझे कोरोना हुआ तो मैंने सुना था रोज टेलीविजन पे सरकार कह रही है कि आप घर में क्वारंटाइन हो जाइए, कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए, दिल्ली सरकार की वजह डालती थी। लेकिन जैसे ही हमको कोरोना हुआ हम घर में थे 18 दिन तक, किसी सरकारी व्यक्ति ने हमको ये नहीं कहा कि आपको किसी दवाई की जरूरत है, आपको घर में कोई रोटी भी चाहिए होगी, ब्रेड भी चाहिए, दूध भी चाहिए, किसी ने नहीं पूछा जी। वो हमारे लिए मानसिक तनाव था बहुत बड़ा, शारीरिक तनाव अलग था, मानसिक तनाव था। और इसके अलावा जिस मकान में मैं रहता था, एक फ्लैट सिस्टम है उसमें फ्लोर सिस्टम है, हमारा चौकीदार भाग गया अपने बच्चे लेके, वॉचमैन चला गया, लिफ्टमैन चला गया, अखबार वाले ने अखबार बंद कर दी, दूध वाले ने दूध बंद कर दिया, कूड़ा उठाने वाले ने कूड़ा उठाना बंद कर दिया। देखिए बड़ी मजेदार बात है। और मेरे घर की टूटी खराब होगी, मेरे को याद है पानी निकले जा रहा है, एक भी बंदा आने को तैयार नहीं। 15 दिन तक मेरा वो पानी की टूटी ऐसी चलती रही, क्योंकि सब कहते हैं कोरोना है इस घर में। और गलती से कोई कोरोना वाला घर से निकल के पैसे भी चाहिए घर में जी, एटीएम कार्ड लेके चला जाए तो लोग 100 नंबर पे फोन कर देते थे कि देखो जी ये तो जी ये कोरोना वाला पॉजिटिव घूम रहा है। यानी समाज के अंदर इतनी कई जगह मैंने देखा है कि अनपढ़ता, कि आप तो सेवा करो ना किसी की, अगर वो खुद रोटी खाने के लिए जा रहा है या कुछ पैसे लेने जा रहा है उसकी शिकायत और कर दो। आप ये सोचिए कि मैं तो चलो मेरे पास स्टाफ था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी मैं 10-12 दिन तक एक ब्रेड के लिए तरस गया, बिस्कुट के लिए तरस गया। आप बिलीव करेंगे, घर में दूध नहीं आ पाता था, पाउडर के दूध से हमने चाय बना के पी है। पहले पास तो दिल नहीं करता, करता था तो कुछ होता नहीं था, कोई आने को तैयार नहीं। मैं अपने स्टाफ को इसलिए नहीं बुलाना चाहता था कि ऑलरेडी मैंने कहा 8 लोग और पॉजिटिव ना हो जाए। जब 8-10 दिन बाद मैं ठीक हुआ, मैंने अपने दोस्तों को फोन किया कि आप कुछ भी मुझे खिलाओ पिलाओ, लिफ्ट में रख दो, ऊपर आ जाएगा, 4 नंबर का बटन दबा देना, मैं अपने निकाल लिया करूंगा। वो जो मेरे दिन थे ना 18 दिन मेरी जिंदगी के बहुत बुरे दिन थे जी, बहुत बुरे दिन थे जी। मैं भूल नहीं सकता कि किसी प्रकार से भी दिल्ली की सरकार ने कोई किसी को साधन नहीं दिया। और आज भी जो मौतों का आंकड़ा है जी, ये मौत कोरोना की उसको गिनते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के बेड पे हो, जो घरों में क्वारंटाइन है, डेथ होती है वो ले जाके संस्कार कर देते हैं, क्योंकि हमारे तो एम्बुलेंस रोज जाती है, हमें तो सब पता है, उनकी तो काउंटिंग ही नहीं हो रही जी। तो डेथ रेट कहीं कम नहीं हुआ है जी, कोरोना कहीं कम नहीं हुआ है जी, उल्टा बढ़ा है जी। तो वो जो आपने जैसा पूछा था मेरे से, वो एक्सपीरियंस मेरा, दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। और एक चीज और, जैसे आप मार्च से काम कर रहे हैं, अभी आपको 6 महीने हो गए हैं काम करते हुए फ्रंट लाइन पे, आपने बहुत कुछ देखा है डिजीज के बारे में, आप कुछ एक्सपीरियंसेस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बट आपने जो 6 महीने का एक्सपीरियंस आपका इस डिजीज के संग कैसा रहा है, आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे आपने ये भी बताया कि समाज में कैसे आपको ट्रीट करा, जब आपकी वक्त आपकी बारी आई कि लोग आपको हेल्प करते, आपने इतने लोगों को हेल्प किया है, तब वो लोग आगे नहीं आए क्योंकि एक डर बैठा हुआ है, इतना इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी लोगों में इतना डर बैठा हुआ है, वो हेल्प नहीं करना चाहते, अपने नेबर्स को हेल्प नहीं करना चाहते, तो इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे, ये 6-7 महीने का जो आपने डिजीज एकदम फ्रंट लाइन पे सब कुछ देखा है? देखिए मैंने बहुत करीब से देखा, और मैंने अपने हाथों से लाशों को जलाया है, पेशेंट को उठाया है। मैं लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, जिनको डायबिटिक पेशेंट है, शुगर जिसे बोलते हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट के पेशेंट हैं, दमे के पेशेंट हैं, लंग्स के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, ये बचना बड़ा मुश्किल है जिनका। अगर ये हॉस्पिटल चले गए 5% बचेंगे, 95% वापस नहीं आएंगे, निश्चित है। ये मेरे आरिफ खान के साथ भी हुआ है, इसके लंग्स को पकड़ लिया उसने, जबकि इसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं डायबिटिक अटैच हो गया उसमें।
कोई भी, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, सावधान रहें। और ये फालतू की बातें मत जाएगी, बाजार खुल गया है, दुकानें खुल गई हैं, वो तो सरकार को फाइनेंस के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, थिएटर खोल दिए हैं, होटल खोल दिए हैं, पूरे सावधान रहें। और खास करके जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, पार्क में भी ना जाएं, किसी चीज को हाथ भी ना लगाएं, बाजार में तो भूल के ना जाएं, हर जगह इंफेक्शन है जी, क्योंकि हम रोज देख रहे हैं जो भी 60 साल से ऊपर वाला हॉस्पिटलाइज हुआ वो वापस नहीं आया। और घर में रहोगे तो और जल्दी चले जाओगे, क्योंकि घर में वो साधन मिलना ही नहीं आपको, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलनी, प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलना, प्रॉपर दवाई नहीं मिलनी। तो ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं जो जो आपके चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके अपने घर के परिवार के सीनियर सिटीजन को घर से ना निकलने दें, और अगर कोरोना हो जाए तो फिर घर पे मत रखें उनको। मिस्टर शंटी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, शुरुआती दिनों में मार्च में जब आपने ये काम शुरू किया था, तब जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफी लिमिटेड थी, तब लोगों में समझ भी नहीं थी कि क्या होगा आगे, कितना प्रिकॉशंस लेना है, पीपीटी किट्स भी अवेलेबल नहीं थी, मास्क तो थे अवेलेबल, तो उस समय पर आप लोगों ने कैसे डील करा मार्च के अंदर जब आपने काम शुरू किया? ऐसा था कि शुरुआत जो थी हमारी वो आइसोलेशन सेंटर मंडोली से थी, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया मंडोली जेल के अंदर, जिसके अंदर 768 कमरे थे, लगभग 1200 पेशेंट उसमें आ सकते थे। वो एक प्री डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा था, और हमें डीएम साहब ने कहा कि शंटी जी वहां अब लंगर का इंतजाम कीजिए, हमने लंगर से शुरू किया। उसके बाद फूड किट्स का शुरू किया जब बंद हो गया, तो सारा लॉकडाउन हो गया, फिर पेशेंट की बारी आई, और पेशेंट से फिर डेड बॉडी की तरफ बढ़े। शुरू शुरू में लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा था, सरकार ने भी कहा जब 900 पेशेंट थे तो दुनिया बंद, और अब जब 70 लाख हैं सब सड़कों के ऊपर है, लोगों का डर ही खत्म हो गया, लोगों ने भुला दिया कोरोना को शायद, लगता है मुझे, मतलब मास्क लगाना तो अपनी बेइज्जती समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ, बाजार में जाते हैं मास्क को नाक से नीचे रखते हैं, नाक से तो आपको सब कुछ जाना है, जितना इन्फेक्शन जाना है नाक से जाना है, वो मास्क लगाते हैं लेकिन वो यार नीचे लटक रहा होता है, बड़ा एहसान करते हैं, और जब कुछ चलान करता है तो उसको गालियां भी देते हैं। Exactly. तो कुल मिला के मार्च जो मैंने 21 से काम शुरू किया था आज तक, जबकि मैं पूरा ध्यान रखता हूं, मेरी गाड़ियों को डेली सैनिटाइज किया जाता है, एम्बुलेंसेस को, मेरे ड्राइवर्स को सैनिटाइजर दिया हुआ है, हमने पीपी किट दी हुई है, इसके अलावा हमने ग्लव्स दिए हुए हैं, सॉक्स दिए हुए हैं जो अपने शूज के ऊपर पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बच नहीं पाए जी। देखो हमारा ड्राइवर एक शहीद भी हो गया, और हमारे मेंबर में बीमार भी हुआ, मैं खुद बीमार हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे जो ड्राइवर काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं लाइव में ले रहा हूँ, ये पीछे आप देखेंगे अभी एम्बुलेंस हमारी खड़ी है सारी है, मैं दिखाता हूँ आपको हमारी एम्बुलेंसेस, ये सारी एम्बुलेंस हमारी दिन रात इसी काम पे लगी हुई है। देखिए जैसे एम्बुलेंस दरवाजा खोल के हम उसको साफ करते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, सारा हमारा शहीद भगत सिंह सेवा दल का गाड़ियां एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, आप देखिए। आपके जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स में आरिफ के अलावा कोई और भी कोरोना पॉजिटिव हुआ? नहीं, अभी तक ड्राइवर नहीं हुआ, मेरा चौकीदार हुआ, उसकी मिसिज हुई, और स्वीपर हुआ जो मेरे यहाँ पे था एम्बुलेंस पार्किंग में, लेकिन अभी तक ड्राइवर एक ही हुआ, और बदकिस्मती से वो हुआ क्या मैं आपको बताऊं कि बस हमारे लिए इससे भयानक स्थिति नहीं हो सकता कि आज हमारा एक भाई सेवा करते हुए चला गया और बेमौत मारा गया, और हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते हैं आरिफ खान का, आरिफ खान के ऊपर इस देश की सेवा लिखी थी, और ये कर्जा हमने उतारना था, एक जान दे के भी हमारा आरिफ चला गया, आज उसके जाने का गम हमारे सारे ड्राइवर्स को भी है, मुझे भी है, रात को नींद नहीं आती मुझे कि मैंने क्या करा यार, उसको मैं बचा नहीं पाया, जबकि मैं उसे हॉस्पिटल भी ले गया, सब कुछ किया, लेकिन मैं बचा नहीं पाया, मैं भूल नहीं सकता इस बात को, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता जी। उसको उनकी बच्चियों को देखता हूँ तो मेरे मेरे दिल के अंदर कुछ होता है यार, मैं क्यों नहीं बचा पाया उसको किसी तरीके से, बेचारा वो
घर छोड़ के सोता था, कहता था शंटी जी आप घर पे जाइए, मैं यहाँ पे हूँ, डेड बॉडी को कहीं उठाना पड़ता है, कहता नहीं नहीं भाई साहब आप मत हाथ लगाइए, मैंने कहता नहीं मैं करूंगा, कहता नहीं नहीं आप मत करिए। इतना प्यार था उसको और जुनून के साथ काम करता था। आज आरिफ का जाना मेरे लिए समझ लीजिए, मेरे लिए क्या, मेरे सारे ड्राइवरों के लिए, शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए, सबके लिए चाहिए। वो एक ट्रू हीरो थे, उनकी सैक्रिफाइसेस को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को सावधान रहना चाहिए। वो एक फ्रंट लाइन वॉरियर थे, ट्रू हीरो। उन्हें चाहे एक सिविलियन अवार्ड ना मिले, लेकिन उन्होंने जो काम किया, मतलब उन्होंने हर रिलीजन के एक डेड बॉडी को उन्होंने लास्ट राइट्स करे, क्रिमेशन किया उनका, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उन्होंने कई बार अपने अपने पैसे भी लगाकर क्रिमेशन करने में हेल्प किया। सो सबके लिए एक सैक्रिफाइस था ये, वी शुड नॉट लेट इट गो वेस्ट। देखिए मैं चूंकि हम जिस संस्था से बिलोंग करते हैं, हमें बहुत हादसे देखे हैं, अपने दिल पे जब बीतती है तो उसको हादसा मानते हैं, किसी को हमारे सामने कैसे भी मर जाने लगता है क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन आज सेवा करते करते जो मेरे वादे लिया है, मैं दिल से रो रहा हूं, मैं उस बात को मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूं कि उसका जाना मेरे लिए कमी हुई है, उसका जाना अच्छा नहीं हुआ। और मतलब मैं उसके परिवार को जवाब नहीं दे पा रहा हूं, इससे तो भगवान से कि मैं मर जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पास सब कुछ है, समृद्ध हूं, लेकिन आज गरीब आदमी का जाना। हमारे ड्राइवर आज भी सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, हटूंगा चाहे मौत भी आ जाए, जब तक कोरोना है हम सेवा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, निश्चित है। देश के लिए, इसी देश ने हमको सब कुछ दिया है, हम देश के लिए कुछ भी करेंगे। थैंक यू सो मच, आप वॉरियर्स की वजह से ही ये देश चल पा रहा है। एंड आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? हम अपनी कॉन्वर्सेशन यही खत्म करेंगे, अभी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि लोग कोरोना के पेशेंट को आतंकवादी की तरह ना देखें, उसको सिंपैथी दें। और अगर आपके आस पड़ोस में किसी को कोरोना हो जाता है, कोशिश करें उसके परिवार की मदद करें, चाहे वो पैसे से करें, चाहे उसके घर में अनाज देके करें, चाहे दवाई देके करें, चाहे उसको गाड़ी प्रोवाइड करें, कुछ ना कुछ उनकी सेवा करें। ऐसा बुरा समय नहीं देखा जिंदगी में। मुझे वो फिल्म याद आती है, वक्त पिक्चर देखी थी और उसमें एक लाइन थी गाने की कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त की अर्शा गुलाम। आज ऐसा बुरा वक्त आया है कि भाई भाई को नहीं पहचान रहा, डेड बॉडी सामने पड़ी है तो उठाने को तैयार नहीं है। ऐसा ऐसा बुरा मंजर हमने अपने जीवन में नहीं देखा जी, और ना परमात्मा दिखाए ऐसा मंजर हमको। बहुत बुरा समय आया है जी। और वो सुना था ना कि सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बन के तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा इंसान को कर छोड़ेंगे, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का। आज 5 आदमी जाते हैं संस्कार करने, वो भी हाथ नहीं लगाते हैं। देखिए सारे रिचुअल्स बदल गए हैं, तो आज हमको सोचना चाहिए कि हम किसके लिए करते हैं ये हाय तोबा। हमें आज इस बुरे समय में अपने देश का साथ देना चाहिए। और खास करके मैं आखिर में एक बहुत कड़वी बात कहने वाला हूं, जहां गरीब से गरीब आदमी ने आज मदद की है अपने देश की, देशवासियों की, कोरोना पीड़ितों की, प्रवासियों की, वहीं सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है, सबसे ज्यादा किसी ने दिवाली मनाई है, फेस्टिवल मनाया है, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं जी, लैब वाले हैं जी, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं जी। इन्होंने एक तरफ तो कहते हैं कि इलाज नहीं है, और 15-15 लाख रुपए के बिल बना के, 15-15 लाख रुपए के बिल बना के इन्होंने जो गुंडागर्दी की है, और उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो लाश नहीं देते थे जी। मैं समझता हूं ऐसे लोगों के ऊपर कम से कम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में दीपावली में अगर कोई
मिठाई के साथ डब्बा तोलता है ना, उसको जेल होती है। और इन्होंने तो लाशों के साथ सौदा किया है जी। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बहुत ज्यादा नजायज फायदा उठाया है इस कोरोना काल में, इसलिए मैं कहूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। थैंक यू मिस्टर शंटी, आप टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। वी रियली थैंक यू एंड वी रियली सैल्यूट यू फॉर योर वर्क, रियली सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने आरिफ भाई को और जितने भी कोरोना में डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, पुलिस, सिविल डिफेंस, सफाई कर्मचारी, जो भी इससे जुड़े हैं। और एक बात और है कि शमशान घाट में काम करने वाले वो लोग जो मुर्दों को जलाते हैं, वो भी हमारे बहुत बड़े वारियर हैं जी, वो भी किसी के बच्चे हैं जी। सरकार को सोचना चाहिए कि चाहे वो ड्राइवर एम्बुलेंस का है, चाहे कोरोना का बॉडी को जलाने वाला व्यक्ति है, उन सबको सेम उतना मुआवजा देना चाहिए उनको, क्योंकि अपनी जान को हथेली पर रख के इन्होंने काम किया है। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।